नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मीम कक्षा 8 पाठ 18 दोहा अष्टक इराहिम के दोहे हैं। हमने पहला दोहा पढ़ा है, अब दूसरा दोहा के अर्थ बताऊंगी। सर सुखे पंछी उड़े और शरण समाही, दीन मीन बिन पंच के कहो रहीम कहो जानी। रहीम दास जी कहते हैं कि जब तालाब सूख जाता है तब आसपास रहने वाले पक्षी दूसरी तालाब की शरण लेते हैं, यानी वहाँ वो तालाब छोड़ के दूसरे तालाब में चले जाते हैं। लेकिन बेचारी मछलियाँ पंख न होने के कारण कहाँ जाए। दीन मीन यानी बेचारी, मीन यानी मछलियाँ, बिना पंच यानी पंख तो कहाँ पे जाए। इसलिए रामदास जी कहते हैं कि पक्षी तो उड़कर दूसरे तालाब के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन मछलियाँ बिना पंख के कहीं नहीं जाती। रहीमन तब लगी ठहरिए दान मान सम्मान, कटत मान देखिए जबी तुरंत ही करिए प्यार। रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरे के घर किसी व्यक्ति को तब तक रहना चाहिए जब तक हमें सम्मान मिले। जब एक बार जब तक उसे यहाँ सम्मान प्राप्त होता है तब तक हमें वहाँ ठहरना चाहिए। जैसे ही वहाँ हमारा सम्मान घटना लग जाए या घटते लगे तब वहाँ से हमें तुरंत प्रस्थान कर देना चाहिए। बयान यानी चले जाना चाहिए, तुरती यानी तुरंत ही, घटल यानी घटते हुए, मान यानी सम्मान। रहीमदास जी इसीलिए कहते हैं कि जब तक हमें मान सम्मान मिले तब तक उस जगह पर रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारे मान घटने लग जाए तुरंत वहाँ से हमें प्रस्थान कर देना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागा झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार जो टूट गया कि एक बार जो प्रेम टूट जाता है तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह जुड़ता नहीं है। अगर यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ये कहने का मतलब है कि हमें कि प्रेम रूपी धागा हमें जल्दी तोड़ना नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो फिर से नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी मन में कुछ न कुछ उसके लिए मन मुटाव हो जाता है। यानी इसलिए प्रेम रूपी धागे को जल्दी नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमन यही संसार में सब सो मिलिए था, न जाने के रूप में नारायण मिली जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को इस संसार में सभी से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में हमें नारायण यानी ईश्वर भगवान के दर्शन मिल जाए, यानी किस रूप में हमें ईश्वर मिल जाए। इसीलिए संसार में सबके साथ प्रेम से रहने के लिए कहा है। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपना गर्व त्याग कर किसी के साथ बात करनी चाहिए, कि ऐसी बात करनी चाहिए कि सुनने वाले को और बोलने वाले को दोनों का मन सुखी हो जाए, यानी सुख मिले। यानी हमें ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे का मन भी
खुशी से झूम उठे और अपना मन भी शांत हो जाए, यानी अपने मन को भी खुशी मिले। दोनों रहीमा एक से जब लो बोलत नाही, जान परते काक पिक बसंत ऋतु के माही। रहीमदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल जब तक बोलते नहीं हैं तब तक समान दिखाई देते हैं, यानी काक और पिक, काक यानी कौवा, पिक यानी कोयल, इसलिए दोनों का कलर एक जैसा है। हम इसकी पहचान सिर्फ बसंत ऋतु में ही कर सकते हैं। कहते हैं कि बसंत ऋतु में जब कोयल अपनी मधुर वाणी में बोलने लगती है तब कौवे और कोयल की फर्क पता चलता है। इस दोहे में रहीम ने गुणी व्यक्तियों और मूर्खों के बीच का अंतर स्पष्ट किया है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन को, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई बात एक बार बिगड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह नहीं सुधरती है। जैसे बिगड़े हुए यानी फटे हुए दूध को मथने से उसमें से मक्खन नहीं निकाला जाता है या मक्खन नहीं मिलता है, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात फिर से कितना भी प्रयत्न करें लेकिन वह बात नहीं सुधर सकती है, नहीं बन सकती है। इसलिए अपनी बात को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इन दोहों के अर्थ के माध्यम से रहीमदास जी ने कहा है कि बात भी नहीं बिगाड़नी चाहिए और मूर्ख और सज्जन व्यक्ति की पहचान उनके गुणों से होती है और वाणी भी अपने सच्चे बोलनी चाहिए जो अपने को भी शीतल करे और दूसरों को भी शीतल करे। और प्रेम के धागे को भी जल्दी तोड़ने के लिए मना किया है कि जल्दी प्रेम का धागा नहीं तोड़ना चाहिए, अगर टूट जाता है तो उसमें वापस जोड़ने पर गांठ पड़ जाती। इस प्रकार इन दोहों का अर्थ क्या बताया है। अब तुम्हें ये नोटबुक में बच्चों शब्दार्थ टिप्पणी कर लेनी है। अब प्रश्नों के जो उत्तर है वो पीडीएफ भेजूंगी, फिर अपनी नोटबुक में कर लेना। बाय बच्चों।